मास्टर निषाद, मास्टर निषाद किशोर पांडे, ये नाम आपने यूट्यूब पर काफ़ी सुना होगा। मैं काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ अब तक और कोशिश करता हूँ कि आप सभी तक जो कुछ मैंने सीखा है उसका थोड़ा बहुत अक्स अगर मैं सिखा पाऊँ, मदद कर पाऊँ तो। मगर आप में से बहुत लोगों को इस नाम से थोड़ी प्रॉब्लम है, मास्टर निषाद, कि मैं नाम के आगे मास्टर क्यों लगाता हूँ? क्या मुझे कोई हक है, क्या मुझे कोई उपाधि है कि मुझे ये लगाना चाहिए? और कई लोग आप समझते हैं कि मैं प्रॉपर अभी उतना सीखा ही नहीं हूँ, ना मेरे सुर उतने लगते हैं, ना मेरी गायकी उतनी प्रॉपर है, तो क्यों मैं मास्टर लगाता हूँ नाम के आगे। तो आज छोटा सा एक किस्सा, या यूँ कहूँ एक छोटी सी बैक स्टोरी, कि मेरा नाम निषाद से मास्टर निषाद कैसे पड़ा, वो मैं थोड़ा जिक्र करूँ ताकि आप लोग एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया हम लोगों का समझ पाएँ कि मैं किस वजह से नाम के आगे मास्टर लगाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई पंडित समझता हूँ, या बहुत मुझे लगता है कि मुझको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसीलिए मैं अपने आप को मास्टर कहता हूँ, कि मैं ही मास्टर हूँ इस चीज़ का। तो एक छोटा सा जिक्र, छोटा सा एक नज़रिया, पूरे वीडियो देखिएगा, आप जान पाएंगे कि क्यों मेरे नाम के आगे मास्टर लगता है। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। तुम्हें हक दे दिया किसने, तुम्हें हक दे दिया किसने, दियों का दिल दुखाने का। चला है सिलसिला धनी सागम रे सागम, निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। चला है सिलसिला। वसीम बरेलवी साहब की एक खूबसूरत गज़ल, जिसको कोशिश करी मैंने कंपोज करने की, राग रागेश्वरी में। तो आइए बात करते हैं दोबारा उसी टॉपिक पर कि क्यों मैं कहता हूँ अपने आप को मास्टर निषाद और क्या है इस नाम के पीछे की थ्योरी। तो ऐसा कोई इसके पीछे क्या बोलते हैं, ये नहीं है कि मुझे कोई उपाधि मिली, या मैंने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया, या मुझे नेशनल लेवल पर सम्मानित किया गया, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता हूँ, है तीस मार खान समझता हूँ, कि मुझे सब कुछ आता है इसीलिए मैंने अपने आप के नाम के आगे मास्टर लगा दिया, कल को मैं पंडित लगा लूँगा, फिर उस्ताद लगा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे बड़ी ही बचकानी सी एक थ्योरी है, मेरी बचपन की एक कहानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जब शादी हो जाती है या बड़े होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, अगर मेल हैं तो उनको मिस्टर बोला जाता है, और फीमेल हैं तो मिस बोला जाता है, उनको फीमेल शादी के बाद मिसेस बोला जाता है, उसी तरह छोटे बच्चों को मास्टर बोला जाता है। अब मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास में था लगभग,
तब मेरी रिपोर्ट कार्ड जो आया करती थी स्कूल में, उसमें आता था नाम के आगे दो ऑप्शन आते थे, भाई मेल है तो मास्टर लगेगा, तो जाहिर बात है उस पर ही टिक किया जाता था। मैंने नई नई फेसबुक आईडी तब बनाई थी, अब उसमें मेरा नाम निषाद पांडे था। और यूट्यूब पे भी आप अगर स्टार्टिंग के वीडियोज़ हमारे उस समय से अगर जुड़े होते 2012-14 इस आसपास, इस समय के आसपास, तो तब मेरा नाम निषाद पांडे ही हुआ करता था उसमें। लेकिन एक चीज़ सोची गई कि पहली बात तो कि बच्चों के आगे, बच्चों के नाम के आगे ऐसा लगाया जाता है, तो एक तो वो थ्योरी थी कि इसके लिए अच्छा लग जाएगा, एक डेजिग्नेशन, एक टाइटल मिल जाएगा, और नाम भी सूट कर रहा था, अच्छा लग रहा था, लोगों को भी पसंद आ रहा था, वो कैची था, तो इस वजह से लगाया गया। दूसरा, आई डोंट नो आप लोगों ने ये थ्योरी सुनी है कि नहीं सुनी, बट मेरे पिताजी का भी ये मानना है और ये शास्त्रों में लिखी गई चीज़ है कि यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम होता है वैसे गुण होते हैं। तो यही सोचकर मेरे पिताजी ने भी ये मास्टर लगाने के पीछे, उनका यही मकसद था कि कहीं ना कहीं ये लगाने का मतलब है कि ये उस नॉलेज को समन करेगा, यानी कहीं ना कहीं उस नॉलेज को गेन करेगा, अगर इसका नाम मैं वैसा रख दूं, धीरे धीरे इसमें वैसे गुण आने लग जाएंगे। मेरा नाम निषाद भी इसीलिए रखा गया कि निषाद का मतलब होता है आखिरी सातवां सुर हमारा, यानी सबसे ऊंचा सुर। तो ये सोच कर मेरे पिताजी ने नाम रखा कि सातवां सुर यानी सबसे ऊंचा सुर, तो वो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो चाहेगा, वैसे ही मेरे पिताजी ने भी चाहा कि ये बहुत हाइट्स को छुए, बहुत ऊंचाइयों को जाए, बहुत सफलता प्राप्त करे। तो ये सोच कर उनकी यथा नाम तथा गुणा की थ्योरी उन्होंने जो है, उनका कंसेप्ट जो है, फिलॉसफी जो है, उनका फलसफा जो है, वो लगाया और मेरा नाम निषाद रखा। और यही एक वजह है कि मास्टर निषाद रखा गया। अब फिर जाहिर बात है वो फेमस हो गया तो लोगों को मेरा नाम वही मालूम है। आज भी मैं कभी भी अपने आप को उससे एड्रेस नहीं करता, या मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे वैसा एड्रेस करे, पर क्योंकि वो चीज़ पॉपुलर है थोड़ी, इसीलिए वो चल रही है और लोग जानते हैं और आप लोग प्यार देते हैं इतना उस नाम को, तो मैं भी उस नाम को अपनाया हुआ हूँ। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा कोई तीस मारखा या तुर्रमखा समझता हूँ कि मुझे लगता है मैं ही मास्टर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, मैं मददगार हूँ। जो कुछ मुझे आता है मैं बस वो थोड़ा बहुत आपके साथ बांटना चाहता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फॉर मी पर्सनली कि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब सिखाता हूँ या किसी को कुछ चीज़ बताता हूँ तो जो ऑलरेडी मुझे आता है वो रिकॉल होता है, वो रिवाइज होता है, तो उससे कहीं ना कहीं मैं इम्प्रूव होता हूँ। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं YouTube पर ये वीडियोस बना बना के आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो ये चीज़ है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो डेजिग्नेशन, वो टाइटल कोई भी रख सकता है ना। एंड पंडित और उस्ताद, ये जो है ये टाइटल्स वैसे भी लोग दिया करते हैं। मैंने जहां तक सुना है इंटरव्यूज़ में, जाकिर हुसैन साहब का नाम आपने सुना होगा, बहुत उम्दा तबला वादक हैं, तो उनको जब लोग बोलते हैं कि उस्ताद जी, तो वो मना करते हैं, वो कहते हैं मुझे उस्ताद जी मत बोलिए, मुझे जाकिर बोलिए या जाकिर हुसैन बोलिए, मुझे प्लीज़ उस्ताद जी मत बोलिए। तो ऐसा वो कहते हैं कि वो खुद अपने आप को उस्ताद नहीं कंसिडर करते, तो मैं तो क्यों ही अपने आप को मास्टर कंसिडर करूंगा, है ना, और मैं क्यों चाहूंगा कि लोग मुझे वैसा उस नाम से पुकारें। पर हाँ, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की इज्जत है कि कहीं ना कहीं आप लोग मेरे अंदर ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इस फिजिकल रूप को आप देखते हैं और कहते हैं ये मेरा गुरु है, निषाद मेरा गुरु है, मास्टर निषाद मेरे गुरु, पर ऐसा नहीं है। मेरे अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर की देन है कि थोड़ा बहुत गुरु तत्व है कि मैं सिखा पाता हूं, लोगों को कुछ समझा पाता हूं। ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, ये समझ लीजिए, या मेरे पिताजी की परवरिश है कहीं ना कहीं समझ लीजिए, जो उनकी सोच है टीचिंग की वो मेरे अंदर है, इसीलिए मैं सिखा पाता हूं। तो कहीं ना कहीं वो गुरु तत्व है जिसको आप लोग सब नमन करते हैं, जो आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत इज्जत देते हैं, वरना मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे इज्जत दी जाए, बट हाँ मेरे अंदर का वो गुरु तत्व है, मैं खुद भी उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उस तत्व की। तो ये चीज अगर आप लोग समझ पाए तो मेरे ख्याल से आप नहीं इन चक्करों में पड़ेंगे कि यार ये तो इसमें बड़ा एटीट्यूड है या गुरूर है शायद, या ये बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है इसलिए ये अपने आप को उस नाम से पुकारता है, तो ऐसा नहीं है। बाकी मैंने आपको रीजंस दिए कि क्या हमारी सोच है इन चीज़ों के प्रति। और संगीत प्रवाह वर्ल्ड, इस नाम को ही ले लीजिए, ये नाम जब पिताजी ने रखा तब इसका नाम सिर्फ संगीत प्रवाह था, ये एक धारावाहिक जो हमारे स्टार्टिंग के एपिसोड्स जो थे उसका नाम था संगीत प्रवाह। प्रवाह मतलब जो बहता रहता है, इट्स अ फ्लो, जो कहीं ठहरता नहीं, क्योंकि ठहर जाएगा तो वो बेकार है, ख़त्म है। प्रवाह है, बहेगा तो सब तक पहुँचेगा, है ना, ये वो गंगा है जो हिमालय से निकलती है और सब तक पहुँचती है और कहीं ना कहीं सबको अपने में समेट लेती है और कहीं ना कहीं सबको बांटती है बहुत कुछ। तो कहीं ना कहीं उस संगीत प्रवाह का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा ही हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोगों तक इस प्रवाह को पहुँचा सकूँ और संगीत की थोड़ी बहुत मदद कर सकूँ। निषाद के पीछे एक और थ्योरी भी है, एक और फलसफा भी है, एक और फिलॉसफी भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने
रामायण का नाम सुना होगा, रामायण आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो उसमें एक एक पात्र थे निषाद राज। निषाद एक कास्ट भी होती है केवटों की, जो नाविक होते हैं उनकी कास्ट होती है। तो कहीं ना कहीं उसमें मेटाफरिकली एक पापा की सोच थी कि केवट ने क्या किया था, प्रभु श्री राम को अपनी नाव में बिठा के उस एक मुश्किल घड़ी से पार निकाला था, क्योंकि वो उनको मुश्किल आ रही थी कि कैसे ये नदी क्रॉस करेंगे या कैसे ये यहाँ से उस पार जाएंगे। तो उस केवट ने उनकी हल्की मदद करी थी। तो कहीं ना कहीं वो एक मेटाफरिकली लोग कहते हैं कि निषाद राज ने प्रभु की नैया पार लगाई थी। तो लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसा होता है उसमें। तो पिताजी का भी वही कंसेप्ट था कि अगर निषाद राज जो है, अगर मेरे बच्चे का नाम निषाद रखें तो कहीं ना कहीं वो भी लोगों की हेल्प करेगा एंड मदद करेगा। एंड आज वही कर पा रहा हूँ मैं, इस कैमरा, इस यूट्यूब के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों तक संगीत पहुँचा सकूँ जिन तक संगीत नहीं पहुँच पाता है, जो क्लास नहीं जा पाते हैं। तो मैं यूट्यूब के ज़रिए निःशुल्क संगीत की अपनी जो शिक्षा है, जो मैंने सीखा है, उसका थोड़ा बहुत एक अंश आप लोगों तक पहुँचा पाता हूँ। तो बस यही एक ज़रिया है, यही एक यथा नाम तथा गुणा है, और कुछ नहीं है। वरना और कोई बड़ी थ्योरी नहीं है इसकी कि क्यों मैं अपने आप को मास्टर निषाद पुकारता हूँ। हाँ, आज का कोई वीडियो, आज का जो वीडियो है वो कोई म्यूज़िक से रिलेटेड टॉपिक नहीं था, मगर हाँ वो सवाल था जो आप लोग अक्सर पूछा करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप लोगों को, और अब भी अगर सवाल आएंगे, लोग पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। मगर आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आप ज़रूर देखें और सब तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक कमेंट करें हमारे चैनल पर, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस पर जल्द एक नया गाना आने वाला है, मेरा इश्क तू, उसका वीडियो सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग सब तैयार हो चुका है। तो जल्द वो जैसे ही आएगा उसका ग्लिम्स संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी तक शेयर कीजिएगा वो। ओके, धन्यवाद।